Hello everyone. Looking at the problems faced by the students preparing for civil services as well as various state services exams, I have planned to start a series of discussion video discourse to break the myths of UPSC. I've seen students suffering from a lot of prejudices which emanates basically from the prevalent myths which are basically spread as a rumor, which doesn't have anything to do with the reality, but still they are so much in our society among the students that unko lagta hai ki ye yahi sachchai hai, aur wahin se unke preparation mein complexities aa jati hai aur kai sare acche acche talented barbaad ho jate hain. Kai baar bacche aate hain gaon se leke shahar tak, wo poochte rehte hain mujhse, aur kai baar mujhe hansi aati hai ki tumhe ye dimag mein aaya kaise, to unke paas unko khud ke source ka bhi pata nahi hota hai. तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा सीरीज लॉन्च किया जाए धीरे धीरे, चूंकि एक साथ बात करना बहुत ही मुश्किल है कि सारी बातों को इकट्ठे बात कर लिया जाए, तो वो थोड़ा टफ होगा. इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस में प्लान किया है कि उसको उस मिथ्स के बारे में बात की जाए, जिसका जिस सीरीज का पहला वीडियो यानी कि पार्ट वन, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन देयर, यूपीएससी मिथ्स एंड रियलिटी पार्ट वन. अब इसमें अगर सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन को, तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. एंड दीज कॉम्पोनेंट्स, पहला वाला जो होता है प्रिपरेशन का, अगर देखें हम तो पहला कंपोनेंट होगा आपको स्टडी का, दूसरा है मेमोराइज या रिटेंशन, और तीसरा है आंसर राइटिंग. नाउ वेरी ऑफन स्टूडेंट सी इट सेपरेटली कि भाई हम पहले पढ़ लेते हैं फिर देख लेंगे याद है उसी तरह से होता है कि नहीं होता है, आंसर बाद में लिखने के लिए तैयारी करेंगे. हालांकि कुछ हद तक ये बात सही है कि शुरुआत आप प्रिपरेशन मेमोरी से कीजिए, आंसर राइटिंग थोड़ा बाद में शुरू कीजिए, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है कि अनलेस एंटिल यू हैव प्रॉपर स्टडी मेथड यू कांट मेमोराइज, यू कांट रिटेन, एंड अनलेस यू हैव बोथ ऑफ दीज यू कांट राइट अ वेरी गुड आंसर. तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कई बार आपको लगता है कि हमें बहुत विद्वान होना चाहिए, हमें जर्नलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है यूपीएससी के लिए, ध्यान रखिए. यूपीएससी एक जर्नलिस्ट नहीं ढूंढ रही है, यूपीएससी एक आईएएस ऑफिसर ढूंढ रही है. तो इसलिए हम इसको ब्रेक करके सबसे पहले स्टडी पार्ट पे बात करते हैं, और जब आपकी स्टडी का पैटर्न बहुत ही अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी पावर और रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, और जब ये दोनों अच्छा है तो आपको एक अच्छा आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता है. तो सबसे पहले आते हैं स्टडी पे. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इट, व्हाट एंड हाउ, यानी कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. इसके बारे में पहला मिथ जो हम बात करेंगे, दैट इज नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन. यहां पे जो फोकस क्या देना है, अगर उस बात को आप समझ जाएं तो आपकी प्रिपरेशन का पहला स्टेज बहुत ही अच्छा हो सकता है, और पहले स्टेज के दौरान ही दूसरा और तीसरे का इंप्रूवमेंट आपको विजिबली देखेगा. फर्स्ट स्टेज में क्या है, व्हाट टू स्टडी. तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ लो, फला राइटर की बुक है, ये वाले इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा नोट्स है, वो वाले बहुत अच्छा नोट्स देना है, तो बाकी आई इंडिया ईयर बुक पढ़ना है और वो पढ़ना है. मतलब इतनी सारी बुक उनके सामने आ जाती है, नोट्स आ जाते हैं सामने, कि एज ए ह्यूमन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ सकें. और ये ध्यान रखिए कि यूपीएससी नॉलेज वाले को कम और एप्लीकेशन वाले को ज़्यादा पूछती है, इस पर हम सेकंड में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपका यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ एक काम कीजिए, आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी की बुक पढ़िए. एनसीईआरटी बुक पढ़िए, ज़्यादातर बच्चे कोचिंग क्लासेस भी करते हैं, तो आप जिस कोचिंग क्लासेस भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को उस कोचिंग के नोट्स से आप शामिल कीजिए, और दोनों को मिला करके तीसरा फिलहाल कुछ भी मत देखिए. और जब आप पूरा पढ़ लें उस चीज़ को, इसको यहाँ पे करते हैं कि फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, और जब फाउंडेशन अच्छा होगा, उस फाउंडेशन अच्छा होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए. किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप उठा रहे हैं तो एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी आप अगर सपोज कीजिए कोचिंग कर रहे हैं
तो उस क्लास नोट्स को ले लीजिए, या कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो किसी एक मटेरियल को आप पता करके जो लगे कि आपको ऑथेंटिक है एनसीईआरटी के साथ उसको मिला लीजिए। तीसरे, किसी भी मटेरियल को, किसी भी बुक्स को या किसी भी कोचिंग के नोट्स को या इवन इंटरनेट को मिनिमम यूज कीजिए। सबसे पहले तो रखिए हिम्मत, बेहतर यही रहेगा। उन दोनों को एक साथ इकट्ठे करके अपने उस सब्जेक्ट के बारे में फाउंडेशन स्ट्रांग कर लीजिए। और तीसरा, तब तक मत देखिए जब तक आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने, सपोज कीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी उठाया 8, 9, 10, 11, जहां भी पॉलिटी के टॉपिक्स मिलते हैं सिलेबस के हिसाब से उस पॉलिटिक्स का टॉपिक को छांट लीजिए, और छांटने के बाद फिर क्लास में आप जा करके उस पूरे क्लास के साथ क्लास नोट्स को या किसी भी एक नोट्स को लेकर के उसको साथ में मिल करके अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। और जब सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगा उसी दौरान आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए। सपोज कीजिए आपने पार्ट वन पॉलिटी का खत्म किया, लेट्स से सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, अब उन दोनों के साथ आप जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस 10 इयर्स 15 इयर्स यूपीएससी में पूछे गए हैं उसको लेकर के आप बैठ जाइए फंडामेंटलाइज खत्म करने के साथ ही। अब देखिए आप कि वाकई आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जहां जहां नहीं कर पा रहे हैं वहां के लिए कोई थर्ड अगर चॉइस हो आपके पास या थर्ड एरियाज में जाना पड़े नोट्स और एनसीईआरटी को छोड़ करके, तो यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन पहले कभी भी मत ट्राई कीजिए, एंड इन मोस्ट लाइकलीहुड 95% सब टॉपिक्स में आपको तीसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 2-4-5% के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो कई बार आप जब करंट अफेयर्स स्पेशली पढ़ेंगे तो वो चीजें हल हो जाएंगी। तो पहली चीज ये है कि किताबों के पीछे, नोट्स के पीछे भागना बंद कीजिए। दूसरी चीज जो आती है वो है हाउ टू स्टडी। हम दोनों हालांकि साथ में ही बात करेंगे इसके लिए कि पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसे करें में सबसे पहला सवाल आता है कि कंसंट्रेशन नहीं बनता है, राइट? हर बच्चों को ये देखा होगा कि कंसंट्रेशन नहीं बनता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए, अरे यार बहुत बोरिंग होती है। आपने पढ़ना शुरू किया, लेट्स से सपोज जो कॉमन फीलिंग होती है एज ए स्टूडेंट, हमने भी वो एक्सपीरियंस किया है, और नॉर्मली आप देखेंगे कि बच्चों को ये बहुत ही कॉमन प्रिवेलेंट नोशन है, अब परेशानी है जो चीज़ों को और कम्प्लेक्स बना देती है। आपने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, लेट्स से सपोज ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी आपने शुरू किया, ओके ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने जो है एग्रीकल्चर को ये किया और इनकम ऐसे हुआ, तो जैसे ही आपने इनकम पे गए उसके बाद फिर पापा का इनकम इस बार बढ़ गया है और पता नहीं इस बार रिबॉक में सेल भी लगा हुआ है, और एडिडास वाला जो रेड लैस वाला शू था वो तो ज़बरदस्त था, 40% डिस्काउंट है, लेकिन नहीं रिबॉक में 60% डिस्काउंट है और वो जाके 2235 रुपये होता है, लेकिन उतने पैसे भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जूता ज़बरदस्त है, अगर सेल ख़त्म हो गया तो फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, मम्मी को पटाएंगे, पापा तो मुझे पता है कि पैसे वैसे देंगे नहीं पिछली बार की तरह, फिर डांटने लगेंगे कि पैसे ज़्यादा मंगाते हो, लेकिन मुझे पता है कि मम्मी के थ्रू जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे तो वो शू लेकर के पक्का जाएंगे, और वो शू लेकर के पहली बार जब पहनेंगे तो कैनॉट प्लेस जाएंगे घूमने के लिए एंड ऑल दैट, और वहाँ पे जाकर फिर वापस आएंगे तो पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई करेंगे तो फिर से आता है ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी। इस बीच में आप कहाँ हैं, पूरे गायब हो जाते हैं, पूरे के पूरे गायब हैं। आपने शुरू किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड किया ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, उस बीच में आप पूरा इंडिया घूम गए, मम्मी से मिल लिए, पापा से मिल लिए, और बाद में कंप्लेन करेंगे कंसंट्रेशन नहीं बनता है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले कि होता क्यों है ऐसा। कई सारे बच्चों से मैंने क्लासेस में भी बात करी, जो जो नॉवेल पढ़ते हैं उनको मैंने पूछा कि हाउ कैन यू कंसंट्रेट इन नॉवेल्स वाइल रीडिंग नॉवेल्स, बट यू कैन कंसंट्रेट हैव द सेम कंसंट्रेशन लेवल वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज। तो सबसे पहला जो एक जोकिंग जोक वाला, दुनिया का सबसे बड़ा जोक ये हो सकता है कि नॉवेल इंटरेस्टिंग होती है। अब यहां पे ये वर्ड इंटरेस्टिंग इज सच अ बिग मिथ। अब नॉवेल जब आप पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग होती है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग नहीं होती है। जबकि नॉवेल आप पढ़ते हैं तो उसको सिवाय मेंटल प्लेजर या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आने वाली 40-50-60 साल की जिंदगी आपकी उसी से तय होगी। यहां कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, वहां कंसंट्रेशन बन रहा है। जब आप दोस्तों से बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ यार मेरा भी नहीं बनता है, कई बार ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है, पढ़ने लगते हैं तो बिल्कुल नहीं मन करता है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है एंड ऑल दैट, और फिर आप उसी में गुम हो जाते हैं, सो जाते हैं, यू स्टार्ट स्लीपिंग विद द सेम फीलिंग कि नहीं एनसीईआरटी इज बोरिंग। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉवेल जब पढ़ते हैं तो वो इंटरेस्टिंग क्यों लगता है,
तो आपके पास कोई कंक्रीट जवाब नहीं होता, कभी आप खुद सोच के देखिएगा। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होती है, तो बहुत कॉमन जवाब जो बहुत फॉल्स सा सरफेशियल आंसर्स होते हैं वो ये होते हैं कि सर नॉवेल में क्या होता है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, एनसीईआरटी में ये प्रेशर रहता है कि याद करना है। तो भैया वो प्रेशर हटा दो ना तुम, कि तुम्हें याद करना है, उसको हटा के देखो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो एक्चुअली में यू एसोसिएट विद सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल। अब सपोज कीजिए कि एक कैरेक्टर के साथ आपने आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये वाला कैरेक्टर जो है आने वाले दिनों में मर जाएगा, तो आप क्या करते हैं कि उसको ढूंढते रहते हैं और उसके साथ साथ उसी कंसंट्रेशन में उस बात को लेकर के पूरा नॉवेल पढ़ जाते हैं। हो सकता है हाफ ए नॉवेल में जब आप जाते हैं तो आपको वो कैरेक्टर सचमुच मर गया, तो आप पलंग पर से कूद जाते हैं कि माई गॉड वही हुआ जो मैंने सोचा था, एंड आई एम द आइंस्टीन ऑफ दिस टाइम, और मेरी सोच तो समझिए कि मतलब जबरदस्त है, वो तो पापा ने गड़बड़ा दिया वरना मैं आज का आइंस्टीन होता या अबुल कलाम होता। और अगर वो सचमुच नहीं हुआ तो फिर आप सोचने लगते हैं कि अरे ये मैंने नहीं सोचा, माई गॉड ये एंगल भी इस कैरेक्टर का हो सकता था, आई डिडंट थिंक। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, उस राइटर से इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। और जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप जो खानदानी पढ़े हुए हैं, जो ट्रेडिशनल वे में आते हुए हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं लाते हैं। आप नॉवेल की तरह ही एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा एनसीईआरटी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो जिस मेथड को अपनाते हैं और जो वो होता है, यहां पे आप कॉन्शियसली वैसा ही कर सकते हैं। आपको राइटर इनडायरेक्टली नॉवेल के थ्रू अपने आप से बात कराता है और आप उससे बात करते हैं। यू कैन डू द सेम विद एनसीईआरटी एज वेल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरुआत किया, चैप्टर देखा, पढ़ना शुरू कर दिया, बीच में गए वही गायब हो गए, पढ़ना शुरू किया पाइपलाइन, मालूम हो रहा है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम आ गया आपको, पूरा दिल्ली का पाइपलाइन पानी सड़ा हुआ है, हैदराबाद का पानी सड़ा हुआ है, वहां पे जाओ खराब, मतलब आप बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हैं। अब आप कीजिए क्या, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप एनसीईआरटी को वैसे पढ़िए जैसा यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है और जैसा आपकी एज के हिसाब से होना चाहिए। अब एज क्या है आपकी, 20+, कई सारे बच्चे तो 28-30 हो जाते हैं पढ़ने के दौरान। वो एनसीईआरटी लिखी किसके लिए गई है, आप अगर 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप वो 7th क्लास की एनसीईआरटी 10 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है, और आप 20-21 साल की उम्र में उसको पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 20-21 साल में अगर टाइम पे आपकी शादी हो जाती तो उसने पुराने जमाने में आपके 10-5 साल के बच्चे हो जाते, 25-26 साल की उम्र के जो बंदे हैं, 15 साल में आप शादी कर लीजिए, 10 साल का आपका बच्चा होगा। तो आप बाप की उम्र में बच्चे वाली किताब पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज इसको ध्यान दीजिए। तो आप बच्चा बन के नहीं बल्कि बाप बन के पढ़िए। एंड व्हाट डिड आई मीन बाय दैट, कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, डोंट रीड इट एज अ रीडर, रीड इट एज अ राइटर। मतलब आप एक बच्चे की तरह नहीं पढ़ते हैं, जब आप बड़े की तरह पढ़ते हैं तो आप ये सोच के पढ़ते हैं कि अगर मैंने लिखा होता इस किताब को, मैंने लिखा होता इस टॉपिक को, तो हम इस टॉपिक के बारे में क्या लिखते। यहीं से आपका पहला मिथ ब्रेक होता है कि पढ़ने के तरीके में चैप्टर का नाम ढूंढने के बाद जस्ट टॉपिक पे शुरुआत मत कर दीजिए। एटलीस्ट टेक अ पॉज फॉर 3-5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट, इवन 10 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक। कि सपोज कीजिए कि आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो बहुत कुछ ठीक ठाक आप हल्का फल्का उसके बारे में जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, किसी के बारे में ठीक ठाक जानते हैं, तो आप उसको सोचिए पहले कि अगर हमने इस टॉपिक के बारे में लिखा होता तो क्या लिखा होता। जैसे ही आप सोचना शुरू करते हैं आपके तीनों स्टेजेस आपके सामने आ जाते हैं, और ये तीनों स्टेजेस में आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है। पढ़ना एक आईएएस की तरह, और मेमोरी पावर जबरदस्त, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की नहीं बल्कि अगेन एक वुड बी आईएएस ऑफ एस्पायरेंट की तरह, और आंसर राइटिंग आपकी जबरदस्त हो जाएगी, वहीं से शुरुआत हो जाएगी। अब इसके तीनों पार्ट में बताता हूं हल्का सा शॉर्ट में, कि जब आप पढ़ते हैं
और उस तरह से पढ़ते हैं कि अगर हमने लिखा होता तो क्या लिखा होता। सपोज कीजिए कि आप एक टॉपिक शुरू किए टेम्परेचर, आप टेम्परेचर के टॉपिक में आधी बातें जानते हैं, तो आप सबसे पहले यहां से सोचना शुरू कीजिए कि टेम्परेचर क्या होता है। तो भैया हमारे यहाँ टेम्परेचर तो गर्मियों में बहुत तेज होता है, सर्दियों में कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है गर्मियों में तेज होता है? अच्छा, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सर्दियों में दिन छोटा होता है, तो क्या इसका रिलेशन है टेम्परेचर से? एक तो ये बुकिश बातें हो गई। दूसरी बात आप देखिए कि ड्रेसिंग सेंस आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है। आप जब पढ़ते हैं टेम्परेचर को तो ये दिमाग में आना चाहिए कि गर्मियों में हमारे कपड़े के डिजाइन अलग होते हैं, खाने पीने का जो पैटर्न होता है अलग होता है, फल फ्रूट्स जो मार्केट में दिखते हैं वो अलग होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं। अच्छा, क्या टेम्परेचर का इससे रिश्ता है? ओके, टेम्परेचर वेरी करता है, इसका मतलब है गर्मी सर्दी में अलग होता है। अच्छा, हम जब उधर पोल के बारे में सुनते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर होता था, ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब है सनरेज से कुछ रिलेशन है। तो जब आप ये सोचने लगते हैं तो आप एक्चुअली में एनसीईआरटी के राइटर से ऊपर उठ करके आप उससे बात करते हैं। अब आप देखिए कितना फायदा हो गया। एक ऐसे टॉपिक, कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने सिर्फ नाम सुना होगा लेकिन कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो उसके बारे में आप ऑटोमेटिकली जानकारी बढ़ा रहे हैं अपने आप, यानी कि आप उस क्वेश्चंस को यूपीएससी में आंसर लिखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी, यू विल ऑलवेज गेट एटलीस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू वुड हैव नेवर एवर प्रिपेयर्ड। अब जिस तरह से पढ़ते हैं, जैसे ही आप फिर उसके बाद 3-4 मिनट सोचने के बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन फुल हाई स्पीड पे रहेगा और आप उसी तरह से नॉवल की तरह उस एनसीईआरटी से बात कीजिएगा। अच्छा अच्छा, टेम्परेचर में ये भी होता है, अच्छा फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर में, ये तो मैंने नहीं सोचा था। अब जब आप उसको एक बार रीडिंग सॉलिड पढ़ लेंगे और 5-10 मिनट के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि इस टॉपिक से मैं कितना फैमिलियर था। जब आप प्रिलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रिलिम्स के क्वेश्चंस में भी उसी तरह के आते हैं कि आप एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपने सिर्फ नॉलेज नहीं लिया बल्कि उसके एप्लीकेशन पे भी पूरा ध्यान दे दिया, तो आप एप्लीकेशन पार्ट पे स्ट्रांग हो रहे हैं और इस एप्लीकेशन प्लस नॉलेज के आपके जो अपने पढ़ने के तरीके में अपने बदलाव लाया है, डेफिनेटली उससे मेमोरी 100 times बढ़ जाएगी आपकी, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि शायद खुद पे सवाल उठाने लगेंगे, माई गॉड वॉज आई दैट इंटेलिजेंट। और जब आप ये दोनों स्ट्रांग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग पे बेहतरी आ जाएगी आपकी, स्ट्रांग होगा जो आप डिफरेंट हो गए। ध्यान दीजिए कि कॉलेज के एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो आपका चैलेंज खुद से होता है, आप खुद से कंपीट कर रहे होते हैं कि पिछली बार 60% लाया था, इस बार 65% लाएंगे। जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली यूपीएससी लिखते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन दूसरों से होता है। तो यहां पे एक बात यह भी ध्यान देनी है कि सिर्फ आंसर लिखना नहीं है बल्कि इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम लॉट ऑफ अदर्स हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। तो इन तीनों बातों को अगर इंटीग्रेटेड में आप करेंगे तो पहला मिथ होपफुली कुछ हद तक ब्रेक हो गया होगा आपके दिमाग में, और आप ट्राई करें घर पे तो डेफिनेटली इससे फायदा होगा। आज हम यहीं पर रोकते हैं, और कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स रहने के लिए, और सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली सब्सक्राइब हो जाता है तो उससे आपको डायरेक्ट उसका मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।